नमस्कार साथियों, एसआर ग्रुप पेशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मित्रों, एक हकीकत कहानी अमेरिका और वियतनाम की। वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बड़े बलशाली देश को झुका दिया। लगभग 20 वर्षों तक चले युद्ध में अमेरिका पराजित हुआ था। अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि सवाल यही होगा कि आप युद्ध कैसे जीते या अमेरिका को कैसे झुका दिया। पर उस प्रश्न के दिए गए उत्तर को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा। दिया गया उत्तर पढ़िए। सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान व श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा और उस जीवनी से मिली प्रेरणा व युद्ध नीति का प्रयोग कर हमने सरलता से विजय प्राप्त की। आगे पत्रकार ने पूछा, कौन थे वो महान राजा? मित्रों, जब मैंने पढ़ा तब से जैसे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, आपका भी सीना गर्व से भर जाएगा। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब किया, वो थे भारत के राजस्थान में मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब दिया, महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में एक वीरता भरी चमक थी। आगे उन्होंने कहा, अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हमने सारे विश्व पर राज किया होता। कुछ वर्षों के बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हुई तो जानिए उसने अपनी समाधि पर क्या लिखवाया। यह महाराणा प्रताप के एक शिष्य की समाधि है। इस प्रकार से उन्होंने लिखवाया। कालांतर में वियतनाम के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार उन्हें पहले लाल किला व बाद में गांधी जी की समाधि दिखलाई गई। ये सब दिखलाते हुए उन्होंने पूछा, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है? तब भारत सरकार के अधिकारी चकित रह गए और उन्होंने वहां उदयपुर का उल्लेख किया। वियतनाम के विदेश मंत्री उदयपुर गए, वहां उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए। समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के पास की मिट्टी उठाई और उसे अपने बैग में भर लिया। इस पर पत्रकार ने मिट्टी रखने का कारण पूछा। विदेश मंत्री महोदय ने कहा, यह मिट्टी सूरवीरों की है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया। यह मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे ही वीर पैदा हों। राजा केवल भारत का गर्व न होकर संपूर्ण विश्व का गर्व होना चाहिए। तो ये एक वीरता की कहानी महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, आज भी इसी प्रकार से दूसरे देश भी हमारे सूरवीरों योद्धाओं को याद करते हैं। चाहे आप महात्मा गांधी की बात करें, भगत सिंह की बात करें या फिर महाराणा प्रताप की बात करें, तो हमें भी अपने सूरवीरों और योद्धाओं पर, वीरों पर गर्व करना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए